सूरज थोड़ा बाहर आ रहा है, सूरज एक सेकंड रुक जा, रुक जा, एक सेकंड हो जाना फोटो, अभी हम तुम्हें वेट कर रहे, तब नहीं बोले आप, सूरज थोड़ा सा बाहर आ रहा है, एक मैं मोच मोच लास्ट कर ले ले भाई ले यहाँ पे भी देखिए तो सूरज ओके अभी डन थैंक यू सूरज सूरज सर राइट साइड राइट साइड सर आपके राइट में सर अभी 1992 में और ये मेरी पहली पिक्चर है और वो रिलीज हो रहा है सितंबर 11th दोनों सेम डे पे हुए थे तो वो एक बहुत ही बड़ी कोइंसिडेंट है तो आई होप दैट्स गुड लक फॉर मी टुगेदर पेरेंट्स बहुत प्राउड है और बहुत हैप्पी है जब मोमो डैड बोलते हैं कि वी आर रियली प्राउड ऑफ यू एंड वी आर रियली हैप्पी दैट वी हैव अ सन लाइक यू तो बहुत अच्छा लगता है बट फॉर द फिल्म पेरेंट्स तो बहुत अच्छा हमेशा अच्छा ही बोलेंगे बट आप लोग आप आज बताओ सॉरी कहाँ यूथ में हम लोग गए दिल्ली अहमदाबाद चंडीगढ़ जयपुर नागपुर पूना तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और हमारा हमारे गाने उनको मालूम है हमारे बारे में मालूम हमारे बारे में उनको मालूम है हमारा फिल्म का रिलीज़ का डेट उनको मालूम है ज़बान पे ही है तो इतना अगर हो रहा है और दो न्यू कमर के लिए तो बहुत अच्छा है इज देयर नो आई डोंट थिंक डोंट प्रिटेंड सूरज लाइक यू डोंट नो सो हाउ डज इट फील आई विल It feels good, ma'am, because this is why you're here, this is why we are working. This is why we are working. We want fans and we want to impress our fans. We are working for our fans. And if we don't have fans, what's the point? So, any particular fan, you know, responded in a particular way or just come and said something special? I know. Sure. Hum log Chandigarh mein gaye the and there were 4,000 girls. Yes. And they went mad. Jab bhi main Suraj bol, तो सब लोग चिल्ला रहे थे और मुझे याद है जब हम लोग बाहर निकल रहे थे तो अ गर्ल गिव सूरज अ लेटर एक लड़की ने एक लेटर दिया कि एक्चुअली वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा क्राउड था पर मेरे नसीब में था कि मुझे वो लेटर मिल गया कि और एक ही लड़की ने लेटर दिया मेरे को और वो मेरे को लास्ट में गाड़ी में बैठने से पहले ही मिल गया उसने लिखा था सूरज आई प्रे फॉर यू दैट योर फिल्म डज वेल आई विल वॉच हीरो फर्स्ट डे फर्स्ट एंड यू आर माई हीरो उसने लिखा था तो सर भाई अब तक मैं एक्चुअली वो समझा नहीं हूँ क्योंकि फर्स्ट फिल्म है तो मैं शायद बहुत अच्छा सोच रहा रहूँगा मेरे फिल्म के बारे में पर सबके चॉइसेस है किसको पसंद आए किसको नहीं आए रिव्यूज़ जब मैं अपने फिल्म के पढ़ूंगा तब मेरे को समझ आएगा कि रिव्यूज़ क्या होता है और कितना एक्यूरेट होता है कितना एक्यूरेट नहीं होता रिव्यूज़ और क्रिटिक्स इम्पॉर्टेंट होते हैं लेकिन जैसे सूरज ने कहा अभी फ़िलहाल हमें पता नहीं है एक्सपीरियंस नहीं है पहली पिक्चर है तो आई थिंक जब रिव्यूज़ आएगा तो हम लोग देखेंगे और फिलहाल अभी के लिए आप लोग ने इतना प्यार दिया हमें तो जस्ट वांट टू से थैंक यू एंड वी फील वेरी वेरी ब्लेस्ड चेंज नहीं है फिलहाल तो कोई चेंज नहीं हम लोग बाहर निकले नहीं हैं और मैं मानता हूँ कि आज अगर इतना प्यार मिल रहा है हो सकता है कि कल नहीं मिले दो दिन बाद नहीं मिले तो जितना मोमबत्ती जितना ज़मीन पे रहोगे उतना अच्छा रहेगा और ज़मीन पे रहना चाहिए कॉन्फिडेंट मैं इंटरव्यूज़ की बात फील कर रहा हूँ क्योंकि इतना बात करने का मौका मिला है पहले मैं बात नहीं करता था लोगों से क्योंकि शर्माता था अभी वो कॉन्फिडेंस मिला है कि बात करूँ और होपफुली हीरो में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है पर नेक्स्ट फिल्म में मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अभी मैं सेकंड सब ने देखी है बहुत खुश है अलवीरा मैम जो है सलमान सर की सिस्टर जो है उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा उनको ही पसंद आया सलीम अंकल ने भी देखी सलीम अंकल ने आतिया से बात की कल ही लव द फिल्म एंड ही गेव अस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स तो हमारे लिए वो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है blessings or love yes of course I give my entire life's credit to Salman sir because aaj main agar ye interview baith ke bhi de raha hu aapko to main unki wajah se hi baitha hu ma'am aur agar wo nahi hote to malum hai main ab tak struggle kar raha hota
पता नहीं एक्टर बनता नहीं बनता तो आई वुड डेफिनेटली सूरज कुछ मैसेज दिया सलमान ने आज आपको कि कल फिर वो वीडियो सुनने वाली नहीं बात नहीं हुई अभी बात तक नहीं हुई जी मैं क्या है सलमान से गिव इन नजर नहीं आया कोई टिप्स टुडे सलमान ने आपको अभी तो नहीं हम बात करेंगे आज शाम को शाम I'm going to Mount Mary today evening. By 11 o'clock, 12 yeah. by 1 o'clock I'll be going there. Yeah. I believe in Sai Baba and main every Thursday main Sai Baba mandir jati hu. So aaj Thursday hai, lucky hai, to main jaungi bilkul. Yes. Salman says Suraj is his baby. What do you want to say? So I would only say Salman sir is my boss and I respect him and I love him with my entire heart. No, my grandparents are seeing it tonight actually. So I'm very excited. Anyone? Bro? Yeah, please. Ask. I was joking. But how important is Asian cinema for now? Because we're talking about Bhasha for now. So, there's a growth in regional cinema happening in Bollywood now. Definitely. Even Bollywood stars are going getting into Marathi cinema. Lay Bhari. Right. Lay Bhari. Or Salman Khan is also getting into Marathi cinema. Yes. It is very important. There should be all languages ke films and there should be big films as big as our Hindi films and because there's so much more, there's so much Marathi audience, so much UP audience, there's so much more to do, you know, so many actors. I think they should also get their recognition. Sabko milna chahiye, definitely. I think we live in such a diverse country. There are so many cultures, so many languages, so many different types of art forms. So I think the exposure is great. And like Suraj said, everybody should get a chance. Everybody should showcase their talent. It doesn't have to be only in Hindi cinema. But Suraj, it's all till tomorrow. When you have to regular promotion, regional stage, promotion. Till my next film. Right. So will you feel a little bit disconnected with the connection that you have with media every day, connecting with media every day? हम आपको miss करेंगे. We will miss y'all, but बहुत थक गए promote करते करते. अभी we want to enjoy. Inshallah, if our film does well, we want to enjoy the success and be with our family. Family के साथ थोड़ा time spend करना. Planning holiday. No, but you know, even in Bombay, if I am, I want to be with my family for some time. Okay, I haven't seen them in a month almost. Bollywood mein experiments kafi chalte hain. Matlab har ek actor apne role ke liye kuch na kuch experiment karta hai. Koi aapne aisa socha hai apne dimag mein ki main apne saath ek aisa role hai jahan main kuch aisa ek experiment karun, jaise body build up karte hain, kuch aisa koi experiment aapne socha hai Suraj aur aapne bhi kiya? Abhi tak to nahi socha hai. Lekin I'm sure jab main seekhungi, I'll work harder and then I can figure out how I want to explore. I'm not saying it because you're asking me, but I want to do a film like Bhag Milka Bhag and how Farhan sir had transformed himself. I want to do a sports film like that. I don't know which specific sport, but I wanted to do a nice sports film on India and play a sports game. I think इस शूट के दौरान हम लोग both as people but also as actors have evolved obviously. मैं confident बिल्कुल नहीं थी जब मैं set पे पहले दिन पहुँची थी और आज मुझे लगता है कि you know सबसे important चीज़ मेरे लिए है कि मैं confident हूँ अपने skin में अपने you know I'm confident and मैं आपसे बात कर सकती हूँ वही बहुत ही बड़ी बात है था मेरे लिए. Same thing with me. I was a very big introvert. बात करने में बहुत मुश्किल होती थी मेरे को लोगों से और ऐसे कैमरा के सामने बैठ के बात करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है. तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है एंड विद ईच एंड एवरी फिल्म आई विश टू गेट मोर कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट. बोथ ऑफ यू आर जस्ट यू आर जस्ट अ न्यू एंट्रेंट इनटू द स्टारडम. व्हाट विल स्टारडम व्हाट इज स्टारडम फॉर यू सूरज एंड आर्टिया विल यू चेंज. मैम वी हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट येट यू नो बिकॉज़ दोस्त बोलते हैं अरे तू बदल जाएगा तू फोन नहीं करेगा हमारा फोन उठाएगा नहीं. मैं मेरे को ऐसा दिल से नहीं लगता कि मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ एंड आई डोंट थिंक आई विल लूज माई सेल्फ फ्रॉम विद इन बट स्टारडम इज देयर.
हम मैंने देखा है मेरे घर में माई फादर वॉज अ वेरी वेरी बिग स्टार व्हेन आई वॉज ग्रोइंग अप एंड आई हैव सीन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ दिस और मेरे को मालूम है कि जितना आप ज़्यादा सोचोगे आपके बारे में उतना ही आप नीचे गिरोगे तो आई लाइक टू बी ऑन द ग्राउंड शूटिंग्स के मैम जो हमारे मेरे को जो हमारे रिहर्सल्स होते थे जहाँ पे कैमरा ये सब कुछ नहीं होता था हम लोग जब मस्ती करते थे हमारे लंच ब्रेक होते थे फिर निखिल सर के साथ जाके हम लोग शाम को बैठते थे पता करने के लिए कौन सा गाना आया निखिल सर के पास कुछ गाना है सर सुनाओ ना सर एक दो गाने सुनाओ ना तो वो सब अच्छा लगता था तो आई मिस ऑल ऑफ दैट एंड आई विल मिस बीइंग अ न्यू कमर यस जैकी अंकल आए थे एक्चुअली कल कल जब हम स्क्रीनिंग कर रहे थे तब ब्लेसिंग्स देने तो वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है हमारे लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सूरज और जैकी अंकल का एक फ़ोटो आया अभी ट्विटर पे आप देखोगे तो वो भी एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था मैंने जैकी सर को बोला कि सर आप अंदर क्यों नहीं आ रहे तो बोला कि बच्चा बस तुम लोगों को दुआ देने आए हो मैं तो थिएटर में देखूँगा पैसे खर्चा करके कोशिश कर रहे हैं ट्विटर पे अभी हम लोग थोड़े महीने पहले ज्वाइन हुए पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच आउट टू योर फैंस एंड योर फ्रेंड्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल के दौरान हिंदी भाषा में कैसे थे हिंदी कैसे किया मैं हिंदी ट्यूशंस करती थी मैं बहुत सताती थी टीचर को क्लास में कभी ध्यान नहीं देती थी चीज़ टोस्ट खाती थी मुझे याद है हिंदी ट्यूशंस में और घर में एक बंक बेड होता था तो जब भी हिंदी ट्यूशंस टीचर आती थी हम लोग बंक बेड के ऊपर जाके छुप जाते थे तो बहुत मस्ती करते थे मेनली तो मेरे घर में हिंदी बात करते सब तो पर हिंदी थोड़ी वो बॉम्बे वाली है जाना वाना आना तेरा मेरा वैसा कुछ है बट हिंदी तो आई बॉर्न इन अ हाउस वेयर पीपल टॉक स्पीक हिंदी फैन मोमेंट वो लेटर है थैंक यू आप लोग देखोगे ना अभी देख रहे हो थैंक यू एंड रियली थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट सपोर्ट रियली थैंक यू फॉर बीइंग सो नाइस टू अस थैंक यू